गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। सभी को बहुत ही नमस्कार। और आज एक जॉब रिलेटेड वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस एपिसोड के अंदर। और ये जॉब्स निकली हुई है ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर। इसकी कट ऑफ, मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये काफ़ी दिन पहले आई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्योंकि एडमिशन्स की प्रोसेस चल रहा है तो उसमें से टाइम निकाल कर इस वीडियो को मैं पीछे ले गया। आज संडे है तो मैंने सोचा आज ये वीडियो भी बना देता हूँ कि अब क्योंकि अब कोविड में, मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियोस में भी बार बार कह रहा हूँ कि आज बहुत ज़्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट है बेटा। जो बच्चों को पढ़े लिखे हैं, अगर उनको कहीं पर भी जॉब की मिलती है, जैसे मैं तो आपको पर्टिकुलरली वही जॉब्स बताता हूँ जो एडवर्टाइजमेंट है, ये कोई मैं क्रिएट करके नहीं बताता कि बोले कि अब कहीं मैं आप नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कुछ यूट्यूबर्स अपने आप, मैंने देखा फेक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करके भी चैनल के अंदर व्यूज लेने के लिए वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं और उसमें लिख देते हैं एंट्रेंस नहीं, ये नहीं, फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं। बट ऐसा नहीं है, ये चैनल आपको पूरी स्पष्टता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, डिटेल में एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ही मैं वीडियोज बनाता हूँ। मैं कहीं से कोई ऐसे कहीं से कॉपी करके वीडियोस नहीं बनता, पहले उसके ऐड को स्टडी करता हूँ, समराइज करता हूँ, उसके बाद ये बताता हूँ। अब मैं सीधा लिए चलता हूँ ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, बहुत जल्दी से बताऊंगा। एज लिमिट इसमें 18 से 42 साल की है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है, BA, BCom, BSc ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और मिनिमम क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री PhD हो सकती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल और मेंटली आप साउंड होने चाहिए क्योंकि आर्मी की जॉब है, आप समझ ही गए हैं, तो मेडिकली फिट होने चाहिए। और इसमें रिटन टेस्ट होने वाला है, जैसा कि इसमें एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है 26 नौ मतलब सितंबर, 26 सितंबर 2021 को इसका एंट्रेंस होने वाला है। और ये जो फॉर्म्स हैं ये 20 जुलाई 2021 से लेकर 19 अगस्त 2021 तक खुले रहेंगे, तो आप बिल्कुल ही टाइम जाया ना करें। मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में बता दिया। अब इसके बाद ये भी बताऊंगा रिटन टेस्ट का सिलेबस और फीस, ये भी बात बताऊंगा। सबसे पहले मैं साइट बता देता हूँ, www.jointterritorialarmy.gov.in ये इसकी साइट है, यहाँ पर आप इसमें आवेदन करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन फीस कितनी रखी गई है, सभी बच्चों के लिए 200 रुपये रखी गई है, मात्र 200 रुपये रखी गई है फीस। अब इसकी बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट क्या होने वाला है। इसके दो पेपर्स होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों पेपर्स 2-2 घंटे के होने वाले हैं। क्या होने वाला है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा। सबसे पहले पेपर नंबर 1 के अंदर, पार्ट 1 के अंदर रीजनिंग होगी और इसके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के लिए। और सेकेंड जो पार्ट होगा इसी के अंदर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, एलिमेंट्री मतलब 9th-10th लेवल की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसके भी 50 सवाल आएंगे और 50 ही मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का है। इसके बाद पार्ट 2 पेपर 2 घंटे का है ये, इसमें 2 पार्ट्स हैं आगे फर्दर। एक जनरल नॉलेज होगी, जनरल नॉलेज मतलब कंप्लीट जनरल नॉलेज, 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स का ही है। और इसके बाद इंग्लिश है, इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का है, ये भी 2 घंटे का पेपर है। तो ये रिटन टेस्ट के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया। तो ये थी एक जॉब वैकेंसी ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर। किसी भी प्रकार की कोई गाइडेंस की अगर हेल्प की जरूरत होगी तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, तो जैसा भी मेरे से बन पाएगा मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा। मैंने पीछे अभी कांस्टेबल की जॉब्स निकली उसकी भी मैंने स्टडी कर उसके बुक्स रिकमेंड करें अपनी वीडियो के अंदर, इसके बारे में भी मैं थोड़ी और स्टडी कर लूँगा। आर्मी के अंदर जो सिलेबस आता है उसके क्या उसके मापदंड है, कौन सी बुक्स रिक्वायरमेंट है, उसकी भी मैं सेपरेट वीडियो बना लूँगा। प्रिपरेशंस के बारे में आपको बता सकता हूँ और काफ़ी सारे मैं आपको ये बताऊँगा, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से ब्रीफिंग करके समझाएंगे, तो उनके साथ आप जुड़े हैं क्योंकि अभी ऑनलाइन कोचिंग चल रही है। ऑनलाइन में यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया मुझे लगते हैं एज कम्पेयर टू कोचिंग सेंटर्स, वहाँ तो आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी और वो मज़ा नहीं आएगा जो एक फेस टू फेस हम बात करके बता सकते हैं। तो ये मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताया, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस तरीके के सिलेबस को कवर कराते हैं, वो आप उनके चैनल पे जुड़े, तो अपने चैनल से ये बता रहा हूँ। तो आपको बस हेल्प करने की बात कर रहा हूँ और मेरे से जो बन पाएगा मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बना पाऊँगा।
बता पाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज एजुकेट.com। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।